देखने वाले कृपया ध्यान दें, सब्सक्राइब करें, घंटा दबा दीजिए, धन्यवाद। सो हे गाइस, कैसे हो? पुराने वीडियो में 20 लाइक मांगा था यार, 40 लाइक दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं टट्टा सीरीज टी सीरीज के बारे में। तो चलो बिना समय को आज की फाड़ वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जी हाँ, ये वही टी सीरीज है जो वर्ल्ड का नंबर वन यूट्यूब चैनल है। नंबर होने के बावजूद भी इनका काम नंबर दो का है। सबसे पहले तो इनके गाने, इनके मोस्टली गाने पुराने गाने के रिमिक्स होते हैं। इनकी क्रिएटिव इनकी गान में घुस गई है। कोई भी पुराना गाना उठा के उसकी गान मान लेते हैं लोग। मैंने दो तीन दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट करते हुए एक सिंगिंग वीडियो बनाया था, इन सालों ने उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। बल्कि कि मेरा उसमें आवाज़ था मेरा, बल्कि उस वीडियो में मैंने अपने खुद के मुंह से गाया था, फिर भी सालों ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। बहुत बुरा किया सालों। और तो इनका एक नया नियम भी है, इनके गाने अगर शादी ब्याह में बजेंगे तो साले वहाँ पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे। अबे टी सीरीज वालों, इतना कैसे गिर सकते हो बे? पब्लिक का गाना पब्लिक से छीनोगे, सारा पैसा अपने गान में घुसाओगे क्या? मैंने सुना है कि पहले के जमाने में अगर कोई व्यक्ति कोमा में चले जाता था तो डॉक्टर उन्हें बोलता था कि टी सीरीज के गाने सुनो, क्योंकि उसमें पहले महान सिंगर थे लता मंगेशकर के, बहुत सारे महान सिंगर थे। डॉक्टर बोलते थे कि उनके गाने सुनने से कोमा में गया व्यक्ति जल्दी बाहर आ जाएगा। लेकिन अब अगर कोमा में गया व्यक्ति उनके गाने सुनेगा ना, वो तो पक्का मर जाएगा, और जो अच्छा भला आदमी होगा वो उनके गाने सुन के कोमा में चले जाएगा। मेरे को इनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक बोतल में प्रेशर बनता है तब ढक्कन खोलना पड़ता है बाबू, मतलब वक्त वक्त पर बैंड बजाना पड़ता है रे। अब हम आते हैं इनके सो कॉल्ड ओनर भूषण, अरे क्या नाम है इसका, भूषण कुमार के ऊपर। कुछ दिन पहले इसने सोनू निगम को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, लेकिन सोनू निगम ने बाद में क्या रिप्लाई दिया, साले ने पेंट में ही मुद दिया। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है, अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा? मेरे मुंह मत लगना आपकी वजह से। और इन दोनों की फाइटिंग में चिड़िया घोसला कुमार भी कूद पड़ा। कुछ दिनों से सोनू निगम जी जो है वो कैंपेन चला रहे हैं टी सीरीज और भूषण कुमार जी के प्रति, तो इस सिलसिले में मैं ये बोलना चाहती हूँ। बोलती है कि सोनू निगम को मैंने पैदा किया, मेरे वजह से सोनू निगम इतना आगे, अब यह सोनू निगम अपने टैलेंट की वजह से आगे गया है। और रही बात नेपोटिज्म की, नेपोटिज्म से बॉलीवुड में ही नहीं म्यूजिक इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म है। अगर कोई बंदा अपना टैलेंट लेके इनके पास गया ना, तो इनको टैलेंट से कोई मतलब नहीं है, टैलेंट से इनको कोई लेना देना नहीं है। पूछेंगे तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन है, किस बड़े आदमी ने तुझे भेजा है, इनको वहाँ पे भी नेपोटिज्म करना है। ये लोड़े लोग को टैलेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टोनी कक्कड़ से छक्कों से सिंगिंग करानी है इस सालों को। ये टट्टा सीरीज वालों के अंदर कुछ ज़्यादा ही घमंड आ गया है। गलती भी तो हमारी है यार, टी सीरीज से प्यूडीपाई के समय हमने इन सालों को इतना सपोर्ट दिखाया कि साले आज नंबर वन बन गए और अपनी औकात दिखा रहे हैं ये लोग। तो गाइस, अब हमको इनकी औकात दिखाना चाहिए, बॉयकट करते हैं सालों को, अनसब्सक्राइब करते हैं टी सीरीज को, तब इनको पता चलेगा ना पब्लिक की पावर क्या होती है। पब्लिक किसी को ऊपर ले जा सकती है तो उसको आसानी से नीचे भी लाके गिरा सकती है। आप लोगों ने हैंगओवर सॉन्ग फालतू सा सलमान खान वाला सुना ही होगा ना, उस गाने में सोनू निगम को रिप्लेस करके सलमान खान को गाना गवाया था। यार सोनू निगम के सिंगिंग के सामने सलमान खान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जब सोनू निगम गाते हैं तो अपने को लगता है अपन स्वर्ग में है, और जब सलमान खान गाता है यार कान में से खून आ जाता है यार, कसम से हक देता है सिंगिंग के नाम पे। छी, सोनू निगम जी अगर हीरा है तो सलमान खान छिला हुआ हीरा है। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही, पता नहीं टी सीरीज वाले इसको टेक डाउन करा दे, इस वीडियो को डिलीट करवा दे, उससे पहले आप इस वीडियो को दो तीन बार देख लो और अपने यारों दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो। और अगर जिस किसी को भी बुरा लगा हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो उसको हाथ जोड़कर घंटा माफी, वेंचर जाओ भाड़ में टी सीरीज के चाटू लोग भागो। सो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, 25 लाइक कर देना, सिर्फ 25 लाइक मांग रहा हूँ। अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।